हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस टू नॉट बाय न्यू क्लासिक 350। और इसके अंदर अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे सिर्फ 2 ही रीज़न लगे हैं, बाकी बहुत से भाई कमेंट करते रहते हैं, वो भी मैं आपके सामने कंसीडर करूंगा कि क्या क्या लोगों को नहीं पसंद आ रहा है इस क्लासिक के अंदर, क्योंकि बहुत से भाइयों ने लिया हुआ है वो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको पहले कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं इस बाइक को ना लेने का, जो मुझे लगता है जो इसके अंदर मुझे अच्छी नहीं लगी चीज़, वो है इसके अंदर कंपनी ने किक नहीं दी है भाई। किक कंपनी ने ज़रूर देनी थी, किक ना दे के कंपनी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। बहुत से लोग किक को बहुत मिस कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे कंपनी किक दे भी दे, अगर बंदे भाई इस चीज़ को ज़्यादा उठाएंगे कि भाई इसके अंदर किक होनी चाहिए तो शायद इसके अंदर किक आ भी जाए, और एटलीस्ट यार किक लगाने की जगह दे देनी थी, ठीक है। लेकिन इससे कंपनी को एक फ़ायदा और भी है कि इंजन लीकेज थोड़ी और भी कम होगी, क्योंकि एक सील और कम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा बेनिफिट भी एक तरफ से, लेकिन भाई किक होनी चाहिए क्योंकि इस बाइक को किक से ही लोग जानते थे। बुलेट फिर किक से रिलेशन था, बुलेट का वो ख़त्म ही कर दिया तो फिर बुलेट रही नहीं ना ये, तो किक होनी ज़रूरी थी बिल्कुल, ठीक है। दूसरा रीज़न जो मुझे पर्सनली लगता है वो इसका फ्यूल मीटर। इसका फ्यूल मीटर भाई एक्यूरेट नहीं है। देखो जैसे आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अभी बाइक ऑन करी, अभी तो ये 4 डंडे दिखा रहा है, ठीक है। कई बार ये एम्प्टी भी दिखाने लग जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल 4 मतलब फ्यूल मीटर एक्यूरेट नहीं है इस बाइक का, ठीक है ना। और ये बाइक अभी न्यूट्रल है, आप देख लीजिए, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं छेड़ूंगा, और न्यूट्रल का इंडिकेशन भी नहीं आ रहा, देखना अभी आ गया देखो। लेकिन यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे होना चाहिए जब आप की ऑन करो, ठीक है ना। चलो ये तो चल जाएगा, ये कोई रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है इसका जो इसकी ये फ्यूल मीटर है ये एक्यूरेट नहीं है। अभी 4 डंडे क्या पता एम्प्टी दिखाने लग जाए, तो एक्यूरेट तो होना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए कि ऑयल कितना है, तो दिया है तो एटलीस्ट एक्यूरेट होना चाहिए था। आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग कंपनी क्या पता इसको ठीक कर दे, ठीक है। लेकिन मेरी बाइक के अंदर ये इशू है, ठीक है। तो 2 रीज़न हो गई। अब जो रीज़न लोग बता रहे हैं तीसरा, वो है इसकी बैक लुक। बहुत से भाइयों को इसकी बैक लुक नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी, ज़्यादा मुझे ख़राब नहीं लगी। हाँ पहले वाले क्लासिक की बेटर थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इससे, लेकिन इसकी भी इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, इसकी बैक लुक के बारे में बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी बैक लुक बढ़िया नहीं है। चौथे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है बुलेट की फील नहीं आ रही भाई लोगों को इसके ऊपर बैठ के इसके चलाते टाइम, ठीक है ना। तो बुलेट की वाइब्रेशन इसके अंदर क्योंकि घटा दिए गए हैं बिल्कुल, जो फील है ना वो फील नहीं आ रही लोगों की कि भाई ये बुलेट वाली फील नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बहुत से लोग बता रहे हैं कि हमें भाई इसको चलाते टाइम बुलेट वाली फील ही नहीं आ रही, क्लासिक वाली फील ही नहीं आ रही। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे तो ठीक लगी, ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंस लगा नहीं, ठीक है ना। और पांचवा और लास्ट रीज़न जो कि बहुत से भाई कंसीडर कर रहे हैं वो इसका प्राइस। भाई बहुत से लोग इसे ओवर प्राइस कह रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है ये रीज़न थोड़ा सा, क्योंकि 5-7 हज़ार मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस डाउन होना था, और लोग तो कमेंट में ये बोल रहे हैं कि 10-15 हज़ार रुपये कम से कम इसका प्राइस होना था। जैसे हाइक्लोन ग्रीन कलर है, ये मैंने 2,15,000 रुपये के लिए हरियाणा के अंदर, तो इसका प्राइस 2 लाख होना था, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनता। तो बहुत से भाई इसको बोल रहे हैं कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं, ठीक है ना। तो ये टॉप 5 रीज़न हैं जो कि मैं आपको कहूँगा न्यू क्लासिक ना लेने के, ठीक है ना। बहुत से भाई बोल रहे थे कि इसकी 5 कमियाँ भी बताओ, या कमियाँ भी बताओ, 5 तो क्या, 5 तो मैंने जो ढूंढी हैं वो हैं, लेकिन कमियाँ भाई यही लगी, और तो मेरे को इसके अंदर कोई कमी नहीं लगती है। स्टॉक एग्जॉस्ट भी इसका अच्छा है, मैं आपको सुना देता हूँ, स्पेशली स्टॉक एग्जॉस्ट इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके अंदर फीचर MID वगैरह आ गई है, और मीटर भी नया आ गया है, देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुछ नहीं है, बस यही है मोटे मोटे रीज़न जो इसके अंदर कमियां लगी या कुछ भी कह लीजिए। और साइलेंसर आप इसका बहुत भाइयों ने चेंज भी करवाया है, इंदौरी भी लगवाया है, शॉर्ट बोटल लगाया है, पुराने वाले क्लासिक जैसी साउंड आ रही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, वो आदत पड़ जाएगी टाइम के अनुसार, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा सीन वाला सीन नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो बस यही थी एक वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।